वेलकम टू अवर सरकमबेंट शेयर मार्केट। आज की वीडियो में हम लगभग चार टॉपिक कवर करेंगे। पहला न्यूज़, स्विंग स्टॉक्स और इंट्राडे और फोरेक्स मार्केट। उससे हमें पता चलेगा कि हमारी निफ्टी कॉल है वो कल किस तरह की जाने वाली है, डाउन या अप। तो हम पहले चलते हैं, पहले हम फोरेक्स मार्केट के अकॉर्डिंग ही हम देख लेते हैं। पहला है FTS। FTS की अगर हम बात करें, FTS की अगर बात की जाए जो कि इंग्लैंड का मार्केट है पाउंड का, तो लगभग फ्राइडे को लगभग एवरेज ही था, मतलब सही था, न ज़्यादा डाउन था न ज़्यादा हाई था। और स्विस मार्केट, फ्रांस मार्केट की अगर हम बात करें तो अच्छा खासा हाई गया था, और पिछले 5 दिन से अगर हम बात करें तो अच्छे खासा एकदम से ट्रेंड की तरह हाई जा रहा है, और मंडे से जहाँ तक उम्मीद है तो ये डाउन जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नस्दक यानी कि US मार्केट। अब US मार्केट के अकॉर्डिंग हमारी इंडियन मार्केट भी लगभग चलती है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा रिफ्लेक्ट होता है क्योंकि ऑयल वगैरह का हमारा कनेक्शन उसी से रहता है। तो US मार्केट की अगर हम बात करें पिछले 5 दिन की, तो पहले तो एकदम से डाउन गया था, फिर अभी 11 जुलाई से 12 लगभग 11-12 फ्राइडे और वो सॉरी थर्सडे और फ्राइडे को अच्छा खासा ट्रेंड गया है। तो लगभग मुझे जहाँ तक लग रहा है तो मंडे को ये अच्छा मतलब एवरेज जाएगा, तो अपना इंडियन मार्केट भी लगभग मंडे को एवरेज जा सकता है, ऊपर मतलब हाई जा सकता है। उसकी बात है यूरोप मार्केट। यूरोप मार्केट की बात करें तो यूरोप मार्केट भी लगभग पिछले 5 दिन से लगभग 10 जुलाई से तो अच्छा खासा मतलब ऊपर जा रहा है। और उसकी बात आता है हमारा इंडियन मार्केट। अभी एक चीज़ कॉमन है इसमें, देखना एक चीज़ मैंने आपको क्या बोली, 10 जुलाई, ठीक है, 10 जुलाई से इंडियन मार्केट लगभग ऊपर की तरफ सेंसेक्स गया है BSE। सेम सिचुएशन यहाँ पे अगर आएंगे तो अब एक चीज़ नोटिस करें कि 10-11 जुलाई से लगभग ये नस्दक है वो भी अच्छा खासा ऊपर गया है। तो इंटरनेशनल मार्केट भी हमारे मार्केट को रिफ्लेक्ट करता है, तो उसकी नॉलेज भी हमें, न्यूज़ ही हम देख रहे हैं ना, तो उसको हमें पूरी तरह से सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा हमारा निफ्टी किधर जा सकता है। इसके बाद हम चलते हैं अब न्यूज़ के ऊपर, क्योंकि अगर हम स्विंग स्टॉक्स देखेंगे, इंट्राडे निफ्टी इंट्राडे कॉल्स देखेंगे, तो फिर हमें न्यूज़ भी देखने पड़ेंगे करंटली शेयर के अकॉर्डिंग। तो पहला शेयर है हमारा RMC स्विच गेयर्स LTD। RMC स्विच गेयर्स LTD को 86 करोड़ का मैच प्रोजेक्ट गुजरात में, तो 86 करोड़ का ऑर्डर है, तो लगभग ऊपर जाने के चांस इसके अच्छे हैं। फिर है एप्कोटेक इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें, तो उन्होंने इनका जो पावर प्लांट था वो कुछ दिन पहले बंद हो गया था, अभी इन्होंने फिर से उसको रिस्टोर कर लिया है। आप इसको पढ़ सकते हैं पूरी तरह से, वेबसाइट में मैं पर डे अपडेट कर देता हूँ, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करने की वजह से शॉर्ट में सारी चीज़ों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम यूट्यूब पर आ सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता देते हैं, वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं। फिर चलते हैं दीप इंडस्ट्रीज़। 82 करोड़ का ऑर्डर ONGC से लेके आया है, तो दीप इंडस्ट्रीज़ का शेयर भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है और अच्छा खासा हिट करेगा ये। ठीक है, फिर है गोवा कार्बन LTD ने भी अपना जो इनका प्लांट बंद हो गया था उन्होंने फिर से प्रोडक्शन के लिए अपना रिज्यूम कर लिया है। ठीक है, प्रोडक्शन हैज़ बीन रिज्यूम्ड नॉर्मलाइजेशन 13th जुलाई। ठीक, मैथान एल्यूस एलटीडी। अब न्यूज़ जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी, अब इसमें एक पॉइंट देखिए, मैथान एल्यूस ड्यू टू द फायर हैज़ बीन सर्वर डैमेज ऑन टू द फर्नेंस ट्रांसफार्मर। इनका जो ट्रांसफार्मर था जो मतलब पावर प्लांट में, वो पूरी तरह से जल गया है और पावर प्लांट काम करना बंद कर दिया है, तो ऐसे में इनकी जब प्रोडक्ट ही नहीं बनेंगे तो फिर उनकी सेल कम हो जाएगी, तो यही शेयर डाउन जाने के चांस इसके ज़्यादा हैं। फिर है जियोजीत फाइनेंशियल का कुछ नहीं, बस रिजल्ट आया हुआ है और रिजल्ट में बस सही है, ज़्यादा डाउन नहीं है और ना ज़्यादा हाई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक एलटीडी को लगभग 230 करोड़ का एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला हुआ है, तो डिफेंस सिस्टम से, तो अच्छा खासा हिट करेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक के पास वैसे भी करीब 3-4 हज़ार करोड़ के करीब लास्ट मंथ में अच्छे खासे प्रोजेक्ट मिले हुए हैं, तो अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर उठाना चाहते हो तो भारत इलेक्ट्रॉनिक आप उठा सकते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं स्विंग स्टॉक्स में जो कि हमने एनालाइज करके निकाले हैं। तो पहला है हमारा लार्सन एंड टर्बो की अगर हम बात करें, तो एक महीने में हमारा टारगेट है लगभग 4,000-11% लगभग इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर है गोवा कार्बन LTD जो कि अभी हमने
हम स्विंग स्टॉक्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। गोवा कार्बन एलटीडी, गोवा कार्बन एलटीडी ने मतलब अपना जो प्लांट है वो फिर से रिज्यूम्ड कर दिया। अब फिर प्लांट को अगर रिज्यूम्ड किया है तो आपको उनकी सेल बढ़ेगी, तो इसी वजह से हमने, और अब पिछले महीने से लगभग 2 महीने से इनका एवरेज ही चल रहा था, तो 834 तक ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लगभग 20 दिन में ये 10% तक इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर आरएमसी स्विच गेयर एलटीडी, आरएमसी स्विच गेयर्स को हमने इसलिए रखा क्योंकि आरएमसी स्विच गेयर्स को 86 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है और अभी तक ये ऊपर मतलब हाई की उसमें नहीं गया है और अच्छा खासा शेयर है और सारी चीज़ें इसकी अच्छी हैं, तो ये लगभग 15 से 20% तक इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक एलटीडी, भारत इलेक्ट्रॉनिक एलटीडी अभी लगभग 230 पर करेंटली है और अगर लगभग 1 महीने में हम इसका टारगेट रखें तो लगभग 400 तक जा सकता है, लगभग 20% तक इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है इंट्राडे। इंट्राडे निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखो, इंट्राडे निफ्टी में हमें पता नहीं है कौन सा शेयर आज मतलब पता होता है कि कौन सा शेयर जाएगा लेकिन वो कंफर्म नहीं होता है, तो उसको हम बिटवीन मार्केट देखते हैं कि किस हिसाब से ऊपर जाएगा या डाउन जाएगा। तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम लाइव अपडेट देते हैं। ठीक है।